नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, यानी कि जनवरी मंथ जो लास्ट मंथ गया है, जनवरी 2021 का, राइट, उसमें किन किन व्यक्तियों के अपॉइंटमेंट हुआ है, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है, यह अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट आपके IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम्स हो या IBPS RRB क्लर्क मेंस का एग्जाम्स हो, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। रिसेंट में SBI PU मेंस जो एग्जाम्स हुए थे, राइट, उसमें बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले थे, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियोज़ बनाए थे लास्ट मंथ के, दिसंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, सितंबर के, उनमें से क्वेश्चंस डिटो के डिटो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अभी मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा यूट्यूब का, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंटेंट को फॉलो कीजिएगा, कंटेंट के बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कंटेंट कैसा लगा, राइट। मेरी गारंटी है अपॉइंटमेंट का आपको इसके बाद जनवरी मंथ में तो कुछ देखना ही नहीं है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और उनके साथ भी शेयर करिएगा, कोई डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, मैं मंथ एंड होते ही, राइट, मंथ एंड होते ही मेरे चैनल्स पे आपको VS एजुकेशन हब पे वीडियोज के माध्यम से देख लीजिएगा। सपोज कीजिए जनवरी मंथ एंड हुआ, तो इम्पॉर्टेंट ऑपर्चुनिटीज एंटेंस, इम्पॉर्टेंट डेज, राइट, जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से, ऑब्चुरीज हो गई, राइट, एंटेंस इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से रिलीज हुई है, सारे का सारा कंप्लीट एकदम सेपरेट वीडियो में बनाता हूँ, राइट। ऐसा नहीं है जनवरी का ही है, मैंने दिसंबर के भी बनाए, नवंबर के भी बनाए, आप नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, ओके। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे, प्लीज देख लीजिएगा, GK के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए भी, ओके। ये डेज भी इस पर है, इसमें कंप्लीट मैंने एक पर्टिकुलर जनवरी मंथ में कौन कौन से डेज होते हैं, कौन सी उसकी थीम रहती है इम्पोर्टेंट, वह भी मैंने यहाँ पर शेयर किया है, ओके, क्लियर। तो देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, वर्ल्ड हिंदी डे कब बनाते हैं, नेशनल यूथ डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, अभी जो RRB PU मेंस का एग्जाम्स हुआ था, इसमें डेज से मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चंस देखने को मिला था, राइट। नेक्स्ट है जनवरी मंथ की इम्पोर्टेंट बुक्स, कंप्लीट बुक है, एक बार आप इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखिए, मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग्स में भी कहा था आपको, ये एक मैंने लास्ट टाइम यानी कि अगस्त मंथ का एक वीडियो बनाया था, अगस्त मंथ में, राइट, अगस्त मंथ का वीडियो था, राइट, जो कि सितंबर में रिलीज हुआ था, अगस्त मंथ के कंप्लीट होते ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे जनवरी कंप्लीट हुआ ना तो उसका वीडियो, वैसे ही आपकी अगस्त कंप्लीट हुआ था तो उसका वीडियो मैंने बनाया था, अगस्त मंथ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं और किसका रेजिग्नेशन हुआ है। तो वहां पर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने वहां पर शेयर किया था, वो सेम डिटो क्वेश्चंस SBI PU मीन्स जो रिसेंट में आपकी एग्जाम्स हुआ था, राइट, कुछ दिनों पहले ही SBI PU मीन्स का एग्जाम्स हुआ था, उसमें डिटो एकदम डिटो क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने दिया होगा ना एग्जाम्स, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि हाँ सर, ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था। वीडियोस देखिए, 4 सितंबर को मैंने यहाँ पर यूट्यूब की कटिंग लगा रखी, 4 सितंबर को वीडियो मैंने अपलोड किया था, ओके, आप खुद देख सकते हैं, शोमा मंडल इसका करेक्ट आंसर था, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया था आप सभी से, ओके। तभी तो कहता हूँ RRB क्लर्क मेंस और IBPS क्लर्क मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था जो कि अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का अगस्त मंथ का ही, देखिए ये आपका अगस्त मंथ का ही वीडियो है, 4 सितंबर को, यानी कि इसी दिन 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए। देखिए, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO आपकी, शशिधर जगदीशन, HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए थे, ये क्वेश्चंस पूछा गया था RBI असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स 2020 का, राइट, जो अभी नवंबर में, आई थिंक नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम्स हुआ था, राइट, RBI असिस्टेंट मेंस, उसमें ये एकदम सेम डिटो क्वेश्चंस पूछने को मिला था, राइट, HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं, राइट, आप खुद देख सकते हैं, शशिधर जगदीशन बने थे, राइट, आदित्य पुरी उनकी जगह पर इनको बनाया गया था। ओके, तो लास्ट मंथ के मैं आप सभी से कहता हूँ, लास्ट मंथ के अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, सर मेरे को जुलाई पढ़ना है, अगस्त पढ़ना है, अक्टूबर पढ़ना है, नवंबर पढ़ना है, सबके डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं, जो चीज़ें आपको पढ़नी है आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये तो था आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल्स में, ताकि आपको पता चल सके किस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन आज के वीडियो में, जो क्वेश्चंस आपको MCQs माध्यम से मिलेंगे। ओके, विश्वदीप आहूजा जो कि किस बैंक के CEO बने हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस आपका पार्ट बन सकता है। विश्वदीप आहूजा रिसेंट में माय डियर एस्पिरेंट्स RBL के CEO बने, RBL जो बैंक है उसके CEO बने हैं, याद रखिएगा, विश्वदीप आहूजा, बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं चाहते, राइट, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट यहाँ ही अपने को ध्यान में रखना है विश्ववीर आहूजा, जो कि RBL बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, देखिए विश्ववीर आहूजा री अपॉइंटेड एज द RBL बैंक MD एंड CEO, RBL बैंक के वापस इनको ही बनाया गया है। जो जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस है ना, उनको ध्यान में रखते चलिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड, किसको नियुक्त किया गया, चेयरमैन ऑफ द सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट, सोमनाथ मंदिर आप सभी को मालूम है गुजरात में स्थित है, तो उस मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष किसको बनाया है, तो उसके अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, उनको सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज द सुंदरम फाइनेंस न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली, किसको डायरेक्टर बनाया है, MD बनाया है सुंदरम फाइनेंस के, तो वह है, दैट इज द रवि लोच, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में सुंदरम फाइनेंस का, ये आपको RRB एग्जाम्स में पूछेगा, नोट कर लीजिएगा इसको, सुंदरम फाइनेंस के रवि लोच, राजीव लोचन, नॉट रवि लोचन, राजीव लोचन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ऑफ द US Army, राइट, US Army में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त है, दैट इज द शुमन अय्यर, शुमन अय्यर, जो कि अमेरिकी सेना में पहली मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड, ओके, जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, राइट, 26 जनवरी को, आप सभी को मालूम है, राइट, अपना ये 72वां गणतंत्र दिवस था, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया था, तो उसमें पहली महिला फाइटर कौन बनी है, तो वह बनी थी भावना कांत, राइट, भावना कांत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू एशियन सेक्रेटरिएट इन जकार्ता, राइट, जकार्ता में एक जो एशियन सेक्रेटरिएट इन जकार्ता में है, माय डियर फ्रेंड्स, आसियान सचिवालय जिसको हिंदी में कहते हैं,
तो भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया है वहां पर? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है एशियन का, राइट। तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयंत कॉर्पोरेट, राइट। बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रोनाउंसिएशंस देख लीजिएगा, बट बी ऑप्शंस जयंत कॉर्पोरेट, राइट, याद रखिएगा। ये अब की बार एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा आईबीपीएस में, ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कंटेंट पे ध्यान रखिएगा, कंटेंट किस टाइप का आपको मिलता है इस चीज पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC की पहली बीमा कंप LIC जो कि सबसे लार्जेस्ट बीमा कंपनी है इंडिया की, तो उसके MD किसको नियुक्त है? वह हुए हैं, दैट इज द सिद्धार्थ मोहंती। ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, राजीव लोचन। आपने अभी सुना, मैंने इसीलिए कहा था ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, राजीव लोचन सुंदरम फाइनेंस के MD बने हैं, याद रखिएगा सुंदरम फाइनेंस के। नेक्स्ट, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स के लिए BCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुई है, दैट इज द जस्टिस गीता मित्तल। बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जस्टिस गीता मित्तल, राइट, याद रखिएगा। शिवान जेके, राइट, शिवान जेके गॉट अप्रूवल एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली? शिवान जेके जिनका हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं? देखिएगा, यहाँ पर मैंने बैंक पूछा है, कभी कभार नेम देके, पर्टिकुलर उस व्यक्ति का बैंक का नेम देके नेम पूछ लिया जाता है कौन इसके MD बने हैं। तो याद रखिएगा, शिवान जेके हैं जो कि धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO बने हैं। ओके, याद रखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ओके, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, जेके सिवान, ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भी देख लीजिए, धनलक्ष्मी बैंक अपॉइंट जेके सिवान एज MD एंड CEO। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड, राइट। SBI कार्ड के न्यू MD एंड CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो वह नियुक्त हुए, दैट इज द रामा मोहन राव अमरा, राइट। रामा मोहन राव अमरा जो कि MD एंड CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा, बी SBI कार्ड के। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे महाराष्ट्र में। दिनेश कुमार खारा जी जो कि SBI के रिसेंट बेंच चेयरपर्सन हैं, याद रखिएगा। हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर MD किसको नियुक्त किया गया है SBI में? तो वह नियुक्त हुए हैं स्वामीनाथन जानकीराम। कंफ्यूज मत होइएगा, स्वामीनाथन जानकीराम SBI के MD एंड CEO, और रामा मोहन अमरा राव, राइट, राव अमरा जो कि आपके SBI कार्ड के MD एंड CEO, और दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरपर्सन से, और SBI का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ओके, ऑप्शंस देखिए, अब ऑप्शंस में बहुत मजा आएगा। स्वामीनाथन जानकीराम है जो कि आपके SBI के MD बने हैं, जेके सिवान माय डियर एस्पिरेंट धनलक्ष्मी बैंक अभी आपने पढ़ा हुआ के MD एंड CEO नियुक्त हुए धनलक्ष्मी बैंक के। विश्ववीर आहूजा, राइट, विश्ववीर आहूजा माय डियर एस्पिरेंट आपके RBL बैंक, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, उसके वापस से इनको ही MD एंड CEO बनाया है, विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट है जैनेट येलन, राइट, जैनेट येलन बिकेम अमेरिकन फर्स्ट वुमन रिसेंटली, राइट।
जेनेट येलन है जो कि अमेरिका की पहली महिला बनी है। क्या बनी है? तो वह बनी है ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुई है, जेनेट येलन। ये कटिंग्स भी आप देख लीजिए। जेनेट येलन बिकम यूएस फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी। ओके, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन चूजन टू बी अ पार्ट ऑफ यूएन हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज इन पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड। तो कोविड 19 में दुनिया में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री को चुना है? तो वह चुनी गई है, दैट इज द जयंती घोष। जयंती घोष है जो कि आपकी रिसेंट में आपकी यूएन एडवाइजरी बोर्ड है उसमें सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज के रूप में एडवाइजर के रूप में नियुक्त की गई है। ओके, जयंती घोष। जेनेट येलन आप सभी को मालूम है कौन है, जो कि अभी रिसेंट में नियुक्त की गई थी अमेरिका में ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल्स। एशियन क्रिकेट काउंसिल्स के न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया है? तो यह है अमित शाह के सुपुत्र जय शाह, जिनको ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ। यह भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, तो ये जो बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जय शाह आपके BCCI के आज जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य देख रहे हैं। BCCI के न्यू प्रेसिडेंट अभी आपके हैं सौरभ गांगुली। ओके, ये थोड़े आपके इंटरनेशनल्स हैं। काजा कलाश जो कि इंडिया की, जो कि बिकम एस्टोनियंस फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। सो एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर्स बनी हैं काजा कलाश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया? इसमें स्टैटिक मैंने इंक्लूड कर दिया, बट है अपॉइंटमेंट का ही है क्वेश्चंस, क्योंकि काजा कलाश अभी नियुक्त हुई है, राइट? तो वह माई डियर स्टूडेंट्स आपकी एस्टोनिया की कैपिटल्स हो गए टैलिन, राइट? टैलिन इज द कैपिटल्स ऑफ एस्टोनिया। ओके, ध्यान रखिएगा, ये कटिंग्स भी देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सैदर जारपो, राइट, वाज इलेक्टेड एज द इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान। व्हाट इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैदर जापरोव जो कि रिसेंट में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान? तो किर्गिस्तान की कैपिटल करेंसी है माडी रेस्प्रिंच शोम। शोम इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान। लीरा आप सभी को मालूम होनी चाहिए, लीरा तुर्की की है। ओके, टेंगे और मनात ये किसकी है? अब कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ओके, नेक्स्ट है, युगांडा के मुशेवेनी जो कि युगांडा के नए राष्ट्रपति के रूप में छठे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, तो युगांडा की राजधानी, अगेन युगांडा की कैपिटल यहाँ पर मैंने पूछ लिया है, तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। ओके, सर्च कीजिएगा, आप सभी को मालूम है प्रत्येक वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन में होमवर्क आपको डेफिनेटली देता ही देता हूँ, तो प्लीज इसको सर्च कीजिएगा, टाइप कीजिएगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, युगांडा मुशेवेनी है जो कि युगांडा के नए राष्ट्रपति के रूप में छठे कार्यकाल के रूप में आए हैं। ओके, तो ये तो था आपका कंप्लीट यहाँ पर, सॉरी 2021 होगा, एक सेकेंड मैं 2021 इसको कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ तक तो आपके MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस अपन ने पढ़े थे, क्योंकि एग्जाम्स में MCQs क्वेश्चंस ही बनते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन सभी का जो अपन ने क्वेश्चंस पढ़े इन सभी का एक साथ एक ही स्लाइड में वन लाइनर में रिविजन्स कर लेते हैं, ताकि आपका रिविजन्स भी हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा थम्सअप दे दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, आप खुद देख पाते हैं। अब चैनल्स पर न्यू जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
पहला आपने पढ़ा था विश्ववीप आहूजा, जो कि सीईओ बने हैं आरबीएल बैंक के। ओके, आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। नरेंद्र मोदी, जो कि चेयरमैन बने हैं सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट के, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है उसके ट्रस्ट हैं, उसके अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र मोदी। राजीव लोचन, जो कि सुंदरम फाइनेंस के न्यू एमडी बने हैं, याद रखिएगा राजीव लोचन। सुमन अय्यर, जो कि फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त हुई है यूएस आर्मी में। भावना कांत, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है जो कि रिपब्लिक डे पर परेड में शामिल होती है, फाइटर पायलट। नेक्स्ट है जयंत कोबग्रेट, राइट, कोबग गेट, राइट, इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए एशियन सेक्रेटरिएट में, राइट, इन जकार्ता में। ओके, जकार्ता की कैपिटल, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ओके, तो ये तो सिक्स्थ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्टिकुलर स्लाइड्स का ताकि आपको इजीली रिवाइज भी कर पाओ अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती जो कि एलआईसी के एमडी बने हैं, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंश्योर कंपनी है। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस गीता मित्तल, जो कि चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुई है बीसीसी की, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की, गीता मित्तल। नेक्स्ट है शिवान जेके, जेके शिवान है, शिवान जेके जो कि एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं धनलक्ष्मी बैंक के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह अभी। नेक्स्ट है रामा मोहन राव अंबरा, राइट, जो कि एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त हुई है एसबीआई कार्ड की, राइट, एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन जानकी राम, जो कि एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, एसबीआई के एमडी नियुक्त हुए हैं दैट इज द स्वामीनाथन जानकी राम। जैनेट येलन, जो कि अमेरिका के फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुई है, जैनेट येलन, याद रखिएगा। स्वामीनाथन जानकी राम एसबीआई के एमडी है और एसबीआई कार्ड के एमडी है रामा मोहन राव अमरा, एसबीआई के चेयरपर्सन मैंने आपको बताया दिनेश कुमार खार। जयंती घोष, माय डियरेस्ट फ्रेंड, जयंती घोष यह आपकी यूएन के हाई लेवल एडवाइजरी के बोर्ड की एक सलाहकार बनी है, सदस्य बनी है, राइट, जो कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज कोविड-19 से लिए आए थे उनके लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए जयसा, जयसा आपकी प्रेसिडेंट बने हैं एसीसी क्रिकेट काउंसिल के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, एसीसी। ओके, प्रेसिडेंट बने हैं जयसा, जनरल सेक्रेटरी बीसीसीआई के रूप में भी कार्य देख रहे हैं। नेक्स्ट है काजा कलास, काजा कलास एस्टोनिया है जो कंट्री है, उसकी कैपिटल जो कि आपके टैलिन, राइट, जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुई है काजा कलास, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यह पार्ट बन सकता है, राइट, इंटरनेशनल अगर अफेयर्स बनाएगा ना क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चन चलेगा। सदर जारापोवा, राइट, सदर जारापोवा जो कि प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं किर्गिस्तान के। ओके, और टोटल 17 अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन है, राइट, तो 17 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, इसमें कोई भी चीज़ की कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी टाइपो एरर हो सकती है, या मैंने किसी चीज़ का गलत एक्सप्लेनेशंस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा वीडियो, कोई भी आपका सजेशंस हो तो ज़रूर टाइप करिएगा, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। ओके, सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है, इतना वीडियो देखने के बाद भी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरी गारंटी है मैंने जो जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई हैं उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लगभग 6 से 7 नंबर यहाँ से कवर हो सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ोगे ना तो 6 से 7 के पूरा का पूरा ही आपका जीके का पेपर कवर हो सकता है।
तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स पे न्यू जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।